एक और धारणा आती है यार, ये वास्तु जो है वो ओनर ऑफ द हाउस पे अफेक्ट करता है, टेनेंट्स पे नहीं करता। मेरे पास कुछ लोग आते हैं वास्तु के लिए, सर हम तो किराए के घर में रहते हैं, हमको वास्तु से क्या लेना देना, हमारा तो आप फर्नीचर ठीक कर दो, या मुझे तो किराए पे देना है सर, ये मैंने एक्स्ट्रा पैसा था, मैंने एक प्लॉट ले लिया या घर बना दिया और किराए के हिसाब से बनाना है, तो देख लो आप, वास्तु वास्तु इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, यू कैन डू। सो आज रहे कल रहे, मैं तो यही, हम लोग तो यही डिजाइन करते हैं कि भाई वास्तु के हिसाब से करें ताकि जो भी उसके अंदर रहे तो वो इंसान फ्लरिश करे। अब मिथ क्या है इसके अंदर? मिथ ये है कि जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसी पे वास्तु का इफेक्ट आता है, ना कि जो उसमें रह रहा होता है या किराएदार है तो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। नाउ दिस इज ऑल्सो अ पॉपुलर मिथ। आप लोग भी, बहुत लोग कोई किराए के घरों में रहते होंगे, टेनेंट्स होंगे या रेंटल प्रॉपर्टीज में होंगे या फिर ओनर्स भी होंगे। वास्तु इफेक्ट्स ओनली टू अ पर्सन हु इज लिविंग इन टू इट, है ना, जो उसके रडार में होगा। आप किसी खुशबू वाली जगह पे हो गए तो आपको खुशबू आएगी अगर आप खुद जाओगे, तो कोई और गया वहां पे तो आपको खुशबू नहीं आने वाली है। सो इफेक्ट उसी का होगा जो उस घर को ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसको रह रहा है। मकान मालिक के नाम पे रजिस्टर्ड है लेकिन वो वहां नहीं रह रहा है तो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन किराएदार जो वहां रह रहा है उसके ऊपर इफेक्ट डेफिनेटली आएगा। अब मकान मालिक के ऊपर इफेक्ट कब आता है? जब मकान मालिक ने भी अपनी कुछ चीजें वहां रखी हुई है, उसका आना जाना हो, या उसकी पेरेंटल प्रॉपर्टी हो जो उसके नाम पे ट्रांसफर हुई हो और आपका सामान रखा हुआ है, तो तब जाकर के उसके ऊपर टू एन एक्सटेंट इफेक्ट आता है। और बेस्ट पार्ट इज कि आप किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर आप जब निकलते हैं तो 21 दिन के अंदर आपका उसका प्रभाव आना कम हो जाता है, और अगर आप घुस रहे हैं तो आपका प्रभाव आना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो। सो ये भी एक मिथ था जो कि मैंने कोशिश करी कि मैं क्लियर करूं। तो आप जिस भी प्रॉपर्टी में रेंटल में भी जा रहे हैं तो कोशिश करें कि एक बार देखें, क्योंकि आप जब वहां जा रहे हैं रहने तो आप चाहेंगे कि वहां की ग्रोथ हो, प्रॉस्पर हो, आप कुछ बेहतर होकर के निकले विद द पासेज ऑफ टाइम। ऑल द बेस्ट।